हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए जो है पोस्ट निकली हुई हैं। तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ये पोस्ट हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और क्या क्या डिटेल वहाँ पर आपसे मांगी गई है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें, बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज कौन सी निकली हुई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कि पीएन की वैकेंसीज यहाँ पर हैं, यानी कि चपरासी के जो पद हैं या ग्रुप डी की वैकेंसीज आप ये कह सकते हैं, ये निकली हुई हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर 300 वैकेंसीज हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर हैं, परमानेंट वैकेंसीज हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज यहां पर नहीं रहने वाली, ठीक है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी की 243 वैकेंसीज हैं, एससी एसटी बीसी की 30 वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 15 है एंड अदर जो पर्सन विद डिसएबिलिटीज हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में मिनिमम यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड मांगा गया है, मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम यहाँ पर प्लस टू मांगा गया है, मतलब प्लस टू वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 35 साल जो है मांगी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 इयर्स, एज ऑन 20 सितंबर को ये आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 इयर्स। इसके अतिरिक्त कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल या एंड एससी एसटी और बीसी कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट, तो उसके लिए यहाँ पे 700 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी बीसी कैंडिडेट्स अगर हमारे पंजाब एंड हरियाणा या फिर चंडीगढ़ से बिलोंग करते तो उसकी जो है 600 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी 600 रुपीज़ आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो है एक सबसे पहले एक रिटर्न टेस्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहने वाला है, मतलब 100 मार्क्स का आपका जो है ये टेस्ट रहेगा, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अतिरिक्त इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी लैंग्वेज में ये टेस्ट रहने वाला है, 90 मिनट्स का रहेगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस कैंडिडेट्स में इस टेस्ट में आपसे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो इसकी प्रिपरेशन आपको जो है अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। इसके बाद जो कैंडिडेट्स रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनका एक जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा कि 800 मीटर रेस होगी, उसका लॉन्ग जंप होगा एंड हाई जंप होगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का दिया गया है, इसको भी आपको जो है फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपकी जॉब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एज ए पियोन लग पाएगी, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.highcourtchd.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी वहां पर जनरेट होगी, उस आईडी को लॉगिन करके आपको जो जो भी स्टेप्स वहां पर दिए गए हैं उनको फिल करना होगा और इस तरह से आप जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
आपको उसका एडमिट एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेके रखना होगा फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए, ताकि क्योंकि जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की जो वेबसाइट पर अपडेट्स जो आएंगे, तो ताकि वो आप जो है वहाँ पे चेक कर सकें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी यहाँ पे कोई डिस्क्लोज नहीं की गई है, ये बाद में आपको वेबसाइट्स पर जो है अब बता दिया जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी का भी इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने पता किया है तो जो सैलरी रहती है 16,900 समथिंग से लेकर जो है वो बेसिक पे स्टार्ट होती है पियोन की जो नौकरी है उसकी, और 53,000 तक जो है लास्ट बेसिक वहाँ पर जाती है। तो इस बेसिक पर जितने भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एप्लीकेबल होगा तो वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो आराम से आपको 25,000 से 30,000 रुपये सैलरी वहाँ पर आराम से मिल जाएगी, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।